न्यूट्रीशन इंक्लूड्स विटामिन सी डिफिशेंसी काजेज एसकर्वी एसकर्वी में क्या होता है सोल इन गम्स गम्स सोयल हो जाते हैं पेटी की बन जाती है हेमर्थ्रोसिस हीमर्थ्रोसिस मतलब हीम मतलब ब्लड अर्थरो मीनस जॉइंट्स जॉइंट्स में ब्लड कलेक्ट हो जाती है उसको कहते हैं हीम अर्थरोस एनीमिया डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड पुअर वूंड हीलिंग विटामिन सी की वजह से वूंड हीलिंग पुअर हो जाती है उसके अलावा सेकंड इज विटामिन सी एक्सेस काज इज नोजिया वामिटिंग कैल्शियम ऑगजेशन एंड नेफ्रोलिथियासिस नेफ्रोलिथियासिस मीन किडनी स्टोन विटामिन डी इज ए वाइटामिन डी थ्री जिसको कोलिकल्सिफिरोल कहते हैं डी टू को अर्गो कैलसीफीरोल कहते हैं और इस इसकी जो हाइड्रोक्सीलेशन होती है वो लिवर में होती है और डी uh, थ्री की कैल्सीट्रायल की हाइड्रोक्लेशन किडनी में होती है मतलब किडनी में एक्टिवेट होती है विटामिन डी इसी की वजह से जब किडनी निकाल दी जाती है पेशेंट को तो उसको विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाती है और उसके ब्रेन बोन्स जो होते हैं वो ईजिली फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके अलावा विटामिन ई e, एक्स uh, डिफिशियंसी काजेज़ एनीमिया एकथ्रोसिस मसल वीकनेस एंड डिमालीनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम विटामिन ई डिफिशियंसी जिनको ब्रेन की डिजीजेज़ होती है उनको कामनली विटामिन ई दी जाती है क्योंकि ये डिमालिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कोड को अफेक्ट करती है विटामिन ई इज़ एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट और न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आप सेम एज़ विटामिन बी टोल डिफिशियंसी विदाउट मेगामिया विटामिन ई में एंटी एजिंग एजेंट्स होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स कहते हैं उनको उनका काम क्या होता है वो हमें ओल्ड एज होने से बचाते हैं इसकी वजह से विटामिन ई जो एक्टर्स होते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं वो विटामिन ई की विटामिन ई जब एक्सेस हो जाए तो एंटीरोटिस हो जाती है इनफनस में बच्चों में विटामिन बी वन डेफिशंसी की वजह से ड्राई बेरी बेरी होती है वन की कोरोसोकॉफ डिजीज़ होती है बी टू डेफिशेंसी की वजह से कोर्नियल वेस्कुलराइजेशन बी थ्री की वजह से पेलाग्रा नायासिन डिफिशेंसी और उसके अलावा बी फाइव की डिफिशियंसी की वजह से कोफ अफेक्टेड हो जाएंगे और बी सेवन कहते हैं उसको ये बाइंड है इन इन एग्स और उसके अलावा बी सेवन का रोल लेवर के मेटाबॉलिज्म में होता है बी नाइन का रोल फोलिक एसिड और उसके अलावा बी नाइन की डिफिशेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं बच्चों में बी टोल्व की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है विटामिन बी टोल्व मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्लस ब्रेन की अफेक्ट अफेक्ट हो, हो जाती है ऑप्टिक न्यूराइटिस डिफिशेंसी हो जाती है ट्वेल्व की डिफिशेंसी की वजह से उसके अलावा बायोटिन लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं तो इस तरह से विटामिन की डिफिशेंसी डिफरेंट डिजीज़ करवाती है